हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का तो इस चैनल पर। हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या रह सकता है 7 मई 2024 को, यानी कि ट्यूजडे को। तो जो डाटा आ रहा है यहाँ पर, सबसे पहला डाटा आ रहा है वो है 10 AM पर, और ये जो डाटा है वो RBA रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर डाटा है। वो अपने इंटरेस्ट रेट का यहाँ पर डिसीजन लेंगे और यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो AUD USD के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। और पिछली बार 4.35 था और इस बार भी इंटरेस्ट रेट ही 4.35 ही रखेंगे। यहाँ पर मतलब ये उम्मीद है, फॉरकास्टेड है, ये चीज़ फॉरकास्ट होती है, ये प्रीवियस होता है। तो अब फॉरकास्टेड है कि 4.35 रहेगा। अब अगर एक्चुअल में ऐसा ही रहता है तो इसकी वजह से AUD USD में गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर 4.35 से ज़्यादा आता है तो AUD USD में उछाल हमें देखने को मिलेगा, और अगर यहाँ पर इससे कम आता है तो बहुत ही ज़्यादा नीचे और को यहां पर AUD USD में हमें मूव देखने को मिलेगा। तो 10 AM पर आप इसके ऊपर नजर रखिए, AUD USD में हमें मूव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो यहां पर डाटा है, सेकंड डाटा, वो आ रहा है 7:30 PM पर। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डाटा आता है उसका इंपैक्ट जो पड़ता है वो इन फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर पड़ता है, और इसमें आप ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास सबसे बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है वो है एक्सनेस का प्लेटफॉर्म। फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म है, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप इसका यूज कीजिए क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों। बहुत सारे और जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बैन भी हो चुके हैं, लेकिन एक्सनेस जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉपर इस समय चल रहा है, और मैं खुद सालों से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। सैटरडे संडे को भी आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ ही इनका जो कस्टमर केयर सपोर्ट है वो जबरदस्त है, 24 आवर लाइव चैट है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो विड्रॉल होता है वो आपका विद इन 1 और 2 आवर के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में सीधा आ जाता है। तो आपको जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पर आई बटन में वीडियोस दे रखे हैं कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, कैसे मनी ऐड करते हैं, कैसे विड्रॉ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रखा है इन वीडियोज में। आप उन वीडियोज को देखिए, और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सनेस का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, सीधा आप एक्सनेस के वेब पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो क्या आ रहा है 7:30 PM पर। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे जो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है उसे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो उस पे हम आपको ये जो डाटा आता है उनका बताते हैं कि क्या एक्चुअल में डाटा आया है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। यहाँ पर एक्सनेस के लिंक के जस्ट नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 7:30 PM पर नेक्स्ट डाटा आ रहा है दोस्तों, और इसका इंपैक्ट पड़ेगा यूएसडी सीएडी के ऊपर। यूएसडी सीएडी में यहाँ पर उनका भी पीएमआई का डाटा आ रहा है, और 57.5 ये पिछली बार था, तो 58.1 होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है, फॉरकास्टेड है कि बढ़ेगा। तो अगर ये बढ़ता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएसडी जो है वो मेजर है इस करेंसी पेयर में, और मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि अगर मेजर यूएसडी होता है तो उस केस में अगर डाटा अच्छा आता है किसी यहाँ पर किसी करेंसी के लिए तो वो अपोजिट की तरफ मूव करती है, तो ये नीचे की तरफ को मूव करेगा। और अगर यहाँ पर ये 57.5 से कम आता है तो यूएसडी सीएडी जो है ऊपर की ओर को मूव करेगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर आप नजर रखिए। और नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, 9:30 PM पर ये डाटा आ रहा है, और EIA जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, उनका यहाँ पर शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक का ये डाटा आ रहा है। मीन्स वो उसमें ये बताएंगे कि क्या उनका आउटलुक रहेगा अगले 1 से 2 महीने तक एनर्जी में। मीन्स जो भी यहाँ पर क्रूड ऑयल है, यूएस ऑयल है, साथ ही जो नेचुरल गैस है उसमें डिमांड कितनी रहेगी, सप्लाई कितनी रहेगी, तो इस पूरे का फॉरकास्ट वो अगले 1 आध महीने का बताएंगे। तो यहाँ पर EIA शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक में आपको इम्पैक्ट यहाँ पर यूएस ऑयल में देखने को मिलेगा, क्रूड ऑयल में देखने को मिलेगा, और साथ ही यहाँ पर नेचुरल गैस में भी आपको देखने को मिलेगा, XNG USD में भी आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 9:30 बजे आप इनके ऊपर नजर रखिए, आपको इनमें मूव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये है डाटा जो कि आना है, और आई होप आपको ये वीडियोज पसंद आ रही हैं। अगर वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।